Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. मुंबई के वर्षुवा स्थित कब्रिस्तान में इरफान खान को सुपुर्द एक खाक किया गया। इरफान खान के पार्थिव शरीर को घर नहीं ले जाया गया। कोकिलाबेन अस्पताल के डॉक्टरों की सलाह पर परिवार ने अस्पताल से ही वर्षुवा स्थित कब्रिस्तान ले जाने का फैसला किया। न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर से जंग लड़ रहे बॉलीवुड इरफान खान का बुधवार को निधन हो गया। अचानक तबीयत बिगड़ने के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। इलाज के दौरान इरफान खान ने अस्पताल में आखिरी सांस ली और दुनिया को अलविदा कह दिया। इरफान की उम्र 54 साल की थी। इरफान की तबीयत काफ़ी बिगड़ गई थी, जिसके चलते उन्हें अस्पताल के ICU में भर्ती कराया गया था, जहाँ उनकी पत्नी शुतापा सिकंदर और दो बेटे उनके साथ थे। अभिनेता की माँ सईदा बेगम ने शनिवार को जयपुर में अंतिम सांस ली, जहाँ वह रहती थी। हालांकि चल रहे लॉकडाउन के कारण अभिनेता शारीरिक रूप से अपनी मां के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सके। उन्होंने कथित तौर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मां का अंतिम संस्कार किया था।